close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोना और मोना हाउसवाइफ ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज का ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ और अभी बज रहा है 10:30, तो 10:30 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू है। और सुबह का जितना भी काम होता है, जितना मतलब बोले तो जितना बासी काम, नाश्ता पानी, नहाना धोना टोटल कम्प्लीट हो गया है। मेरा भी खाना पीना सब हो गया, नाश्ता पानी सारा हो गया है। बस मैं अब दोपहर के खाने में लग रही हूँ, मेरा टीवी देखना हो गया है। तो चल मोना काम पे। एक बात उससे पहले, आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच नहीं करते हैं तो कम से कम आधा भी कर लीजिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा वॉच टाइम मिल जाए। इतना सा भी मिल जाए तो उतना भी काफ़ी है। और चैनल पे आए हैं तो एक लाइक करके जाइएगा, एक लाइक बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो एक लाइक करके जाइए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक देना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लाइक नहीं देते, आप लोग लाइक देना भूल जाते हैं। तो एक लाइक दे के जाइए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। और मैं भी सपोर्ट करती हूँ, जो मेरे ब्लॉग में आता है कमेंट करता है तो मैं उसे फुल सपोर्ट करती हूँ, उसे रिटर्न ज़रूर देती हूँ। अगर रिटर्न पाना है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में एक कमेंट छोड़ कर जाइए, और फिर देखिए मैं उसे रिटर्न कैसे कर देती हूँ, अच्छे कमेंट के साथ रिटर्न कर। तो चलती हूँ, किचन के कामों में लग जाती हूँ। तो चलिए आज मैं किचन में क्या क्या बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने में, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठंडा लग गया तो स्वेटर पहन ली। और किचन जाने से पहले मैं थोड़ा सा बालकनी में जाती हूँ, देखे कुछ काम होगा तो कर लेंगे वहाँ पे। चलिए मेरे साथ साथ आप भी देखे बालकनी में कुछ काम होगा तो कर लेते हैं। और ज़्यादा कपड़ा धोना नहीं था, बस थोड़ा सा कपड़ा था तो मैं यही धो दी। इतना हवा चल रहा है ना कि हवा से सारा सामान गिर जाता है। और यहीं पे मेरा मोप रहता है, इस बार तो मेरे प्लांट में फूल ही नहीं है, एकदम फूल है। कली लग रहा है कि जैसे कली आया है, लेकिन पता नहीं कब होगा, समझ में नहीं आ रहा है। मनी प्लांट गंदा हो गया, इसे साफ करना है। और मैं यहाँ चाय पत्ती सुखा रही हूँ, क्योंकि गुलाब फूल में देने से गुलाब फूल खूब अच्छा होता है, थोड़ा साइज भी बड़ा बड़ा होता है। तो ये मेरा 3-4 दिन का चाय पत्ती हो गया है, जब से मैं वहाँ से आई हूँ अपने मायके से। तो मैं चाय पत्ती यहीं पे सुखा ले रही हूँ, जब अच्छा से सूख जाएगा तो फिर इसे गमले में जाकर डाल दूँगी, गुलाब फूल का गमले में जाकर डाल। और ये मेरा यहाँ पे झूला लगा हुआ, पर झूलते नहीं है, जब मन करता है तब झूल लेते हैं, बाकी नहीं झूलते हैं। और हुआ है तो हाँ, कुछ दिनों में आ जाएगी इसमें फ्लावर। देखिए इधर इस वाले में हुआ है, उस वाले में नहीं हुआ है, पर इधर हुआ है। और ये देखिए मेरा जवाइन फूल का कितना नीचे जा रहा है, बहुत लंबा हो गया है, बहुत नीचे जा रहा है। और इधर मेरे देवरानी का बर्तन सूख रहा है, इसका धूप में बर्तन सूखता है। इसका प्लांट दिखा रही हूँ, कितना सुंदर सुंदर प्लांट है ये देखिए। ये सब प्लांट का है ना, मैं फूल का है ना, मैं शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, सुबह उठती हूँ और फटाफट शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ। देखिए कितना सारा प्लांट इसका लगा हुआ है, सुंदर सुंदर सा लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। अब चलते हैं किचन में। ये मैं नाश्ते का बर्तन धो दी हूँ, सिर्फ जगह पे रखना बाकी है। और वहाँ पे मैं मच्छी भी धो के रख दी हूँ, चिंगड़ी मच्छी धो के रख दी हूँ। और यहाँ पे बनेगा करेला, शुगर पेशेंट के लिए, जो मेरे पति देव शुगर पेशेंट हैं उनके लिए करेला बनेगा। इसमें एक आलू भी दूंगी। और किचन देखिए मेरा कितना साफ़ है, तो साफ़ किचन में अच्छा लगता है काम करना। और मेरा आदत है नाश्ता के बाद किचन साफ़ कर दे, मतलब कोई भी काम होता है तो मेरा किचन साफ़ ही रहता है।
और ये जो टूल दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर का टूल, तो ये टूल मिला है सर्फ में, 2 kg का सर्फ में मिला है। और यहाँ पे मैं, ये पुराना गमछा है तो एक पुराना गमछा का टुकड़ा रख दी हूँ, क्योंकि हाथ गंदा तो होते रहता है ना सब समय, तो उसके लिए नैपकिन नहीं रखी हूँ मार्केट वाला, तो यही सब मेरा नैपकिन से काम चल जाता है। तो कपड़ा अपना नाइटी सूट सूट वगैरह में हाथ नहीं पोछती, इसी में हाथ पोछ लेती हूँ। और यहाँ पे ये चार्जर मेरा लगा हुआ है, और ये तो जनवरी का ही है, तो इसको जनवरी वाला चेंज करके फरवरी करना है, तो उसको मैं अभी ही कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ गाजर ला के रखे हैं, इसका शाम को हलवा बना दूँगी। और ये अमरूद भी है, अमरूद खाने के बाद काटूँगी उसे, मेरा तो किचन में रहता ही है मनी प्लांट। और ये चावल का बोरा है प्लास्टिक वाला, तो कोई यूज में लग जाएगा, उसका काम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं करेला को छौंकती हूँ, करेला है, आलू है, प्याज है, तो मैं ये भाजी बना रही हूँ। मैं नमक हल्दी डालना भी बाकी है, ठीक है रुको ना, 1 मिनट रुको, जा हमको बुलवा दिया ना, हम नमक हल्दी की बात करते हैं, इससे आसान रहता है वॉइस ओवर। बेटा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मैं कुछ मतलब किचन में काम करती हूँ और सोचती हूँ कि संग संग काम भी करूँगी और वॉइस ओवर भी कर लूँगी साथ साथ में, फिर अलग से एडिट नहीं करना पड़ेगा, आवाज़ नहीं देना होगा, तो बस आके कुछ से कुछ बोल देता है और मैं भूल जाती हूँ कि नमक डालना है, हल्दी डालना है, तो बस ऐसे ही हम लोगों का हंसी मजाक चलते रहता है, ऐसे जीवन हम लोग का कट जाएगा किचन में हंसी मजाक के साथ साथ। तो बस मेरा बहुत सारा खाना बन गया था, रोटी लास्ट में बनाना बाकी था, तो बस मैं रोटी ही बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोगों से आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट अच्छा अच्छा दीजिएगा, मैं रिटर्न कर दूँगी। और क्या बोलूँ, पता नहीं मेरी वीडियो पर व्यू ही बहुत कम व्यू आता है, मतलब 100 होते होते 4 दिन लग जाता है। पहले बहुत अच्छा मेरा जा रहा था व्यू, सब कुछ अच्छा जा रहा था दुर्गा पूजा से पहले, पर बीच में मैं गैप की थोड़ा सा, और बस उसके बाद से फिर मेरा चैनल डाउन हो गया है। और ऐसा नहीं कि ब्लॉग बनाने में मैं कसर छोड़ती हूँ, बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाती हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत पहले से भी अच्छा करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा व्यू बहुत डाउन हो गया है, इस कारण से उतना इच्छा भी नहीं होती है ब्लॉग बनाने की। और मैके से आने के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग है, इच्छा नहीं होती थी ब्लॉग बनाने की, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और डेली जब व्यू ही नहीं आता है और वॉच टाइम भी नहीं बढ़ता है, तो इच्छा भी नहीं होती है ब्लॉग बनाने की, तो बस जैसे तैसे मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और ये मेरा चावल हो रहा है एक साइड में, क्योंकि खाना तो बन ही गया है, रोटी भी बन गया है, तो चावल बैठा दी हूँ, चावल गर्म गर्म अच्छा लगता है। और ये देखिए आज का खाना, ये है चिंगड़ी मच्छी जो मैं इसमें आलू डालकर बनाई, पटल देकर बनाने वाली थी, हस्बैंड जी बोले थे पटल देकर बनाने के लिए, पर बेटा बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो आलू देके बना दी। और ये करेला भाजी हो गया, आलू प्याज और करेला भाजी हो गया है। और मैं ये चाय का दूध बॉयल नहीं की थी, तो एक साइड में मैं चाय का दूध भी बॉयल कर ली हूँ। तो आज का मेरा यही खाना है, सिंपल सा खाना। और इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग भी शेष कर रही हूँ, मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।